पूरे जग उत्ते वसदे पंजाबी प्यारे शान बाजवा एक होर जट कबीले का अहवाल लैके तुहाडी खिदमत च हाजिर। अज असीं तुहाडे नाल गल करांगे गंगाल जट कबीला। गंगाल जट कबीला कबल मसीब टोल जटां दा जाणिया पछाणिया कबीला। गंगाल पुत्र सी सुहावण दा ते पोतरा सी नायक दा ते पोतरा सी मल्ली मन राय मल्ली दा। सूरजवंशी जटां दा खानदान हिंदुआं मुसलमानां ते सिखां विच वी ढेर गिणती विच मिलदा। इस कबीले नूं सिंध विच गंगाल आख्या जांदा है, पर जेलम रावलपिंडी ते कश्मीर विच इस कबीले नूं गंगाल ही आखदे ने। ये लोग जेलम रावलपिंडी कश्मीर ते मीरपुर आजाद कश्मीर विच ढेर गिणती च वसदे ने। इहदे नाल नाल ये लोग सियालकोट विच वी वसदे ने। सिंध विच जिला गोटकी विच दी तहसील अबाड़ो विच अबाड़ा विच वाहवा गिणती च वसदे ने। अबाड़ा विच इस कबीले दे नां ते गंगाल मार्केट भी बनी हुई है। ये लोग सिंधी पंजाबी ते होर बोलियां बोलदे ने। ये लोग चौधरी राजा ते इस तरह के होर लकब अपने नावों के नाल लाते हैं। ये सारे लोग जड़े ने जट सदाते हैं, तो इन कई लोग गंगला नायक भी सदाते हैं। डॉक्टर लाल बख्श नायक आखते हैं भी पहलू इस कबीले के कुछ लोग अपने आप को अबला कबीले च समझते हैं, तो मगरों मीरपुर मथेला आए तो इतों अहले मिरास फकीर मुहम्मद बख्श को पुछ के तो उन्हें अपना हिजरा लिखवाया। तो हूँ असी वेखते हैं कि हो ये फिर उन्होंने ये पता लगा कि ये गंगाल जट कबीला है, तो उन्होंने वो अपने आप को मतलब गंगाल आखना शुरू करता। हूँ असी वेखते हैं भाई होर कि तारीखी तस्करी अंदर गंगाल जट कबीले का जिक्र मिलता है, कितने कितने मिलता है, तो किस तरह मिलता है। ग्लासरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स में ईडी मैकलेगन तहत चेरू दौरान मुढ़ो इस कबीले का नाँ तक नहीं लिया। तो हूँ असी तुहाडे नाल कुर्सीनामा साझा करने गंगाल जट कबीले का, जिहड़ा मीरपुर मथेला सिंध तो आ रही है डॉक्टर लाल बख्श नायक मल्ली जट उन्हें साढ़े नाल साझा किया। उस कुर्सीनामे मुताबक हजरत आदम अलैहि सलाम जिन्होंने हिंदी में शिव शंकर आख्या गया, उन्होंने चोखा गेरे वांझ के ना आउंदा हजरत नूह अलैहि सलाम का जिन्होंने दूसरा मनु आख्या गया। और उन्होंने जी कबर है 270 गज लम्मी वो पिंड मंडा जिला गुजरात काठियावाड़ में, और उत्थे उन्होंने मनु महाराष्ट्र आख्या जाता है, जिदा मतलब वड्डे बेड़े वाला मनु। हजरत नूह अलैहि सलाम दीयां दो सवाणियां विचों जिहड़ा सत पुत्र होए, पहली बीवी सनहा विचों तीन पुत्र साम हाम ते याफस होए। याफस का नाम महेश भी सी, हिंदी में उन्होंने महेश भी आख्या जाता सी। ते उन्होंने दूजी सवाणी वायला की कुखों चार पुत्र कनान यरन हर हर ते अजम होए। ये दूजी सवाणी विचों होने वाले चारे पुत्र जिहड़े सन अपनी माँ सने हजरत नूह अलैहि सलाम उन्होंने बेअदब सन, तो उन्होंने आखी नहीं सन मानते, तो उन्होंने बेड़े दे विच ना बैठे, इस परों ये डुब के मर गया और इन्हों की औलाद भी जिहड़ी है अगे ना बढ़ी। मुड़ के साम की नसल जिहड़ी है सामी सदाई जिहड़े पहले तीन पुत्र सन उन्हों की औलाद पूरी दुनिया च अगे टुरी। उन्हां जो साम की नसल सामी सदाई तो एशिया च वस गई, हाम की नसल जिहड़ी है वो अफरीका च जा वसी, तो याफस जिहड़ा सी उहदी नसल जिहड़ी है तुर्की चीन ते यूरोप दे विच जा वसी। मुड़ के साम दे पुत्र ये होए जी अरफका सिंध सिंध, अरफका सिंह जिहदा दूजा नाम सिंध सी, अगला पुत्र सी ईश्वर जिहदा नाम हिंद सी, दूसरा आराम जिहदे तो आर्मीनिया वसिया, असवर जिहदे तो फारस वसिया, लूद जिहदे तो रोम वसिया, बलकान अगला सी समान, अगला कनान जिहदा दूजा नाम कीकान भी है, लावर अगला सी इलाम जिन्हों अरबा ने गिलाम आख्या, अगला सी मूरच। अगों अरफका सिंध सिंध जिहड़ा सी इहदे पुत्र होए ने सखर पखर ठट्ठा ओल हरमेश अमर, अमर की नस्लों सिकंदर जुन कुरनैन होए। अगला डागर सी, डागर जिहड़ा है गैर आरिया नस्ल है, लेकिन कुछ बाद जिहड़े ने इन्होंने हिंदू धर्म धारण कर लिया दिल्ली के इलाके विच, वो डागर जे नस्ल के लोग हिंदू भी है ने। अगे जलूदर, अगला जाशर, जाशर दे दूजा नाम लौदर भी सी, समूद की कौम जिहड़ा आदि ते समूद का किस्सा उहदे विच समूद की कौम ये जाशर की नस्ल सी। अगला गुजरात, अगला पुत्र गारा जिहदे नाँ ते हड़प्पा पिया, अगला टैक्सला, अगला हंड जिहदे नाँ ते सुआबी पिया, अगला पुत्र सी आसाम, अगला तामली यानी तामल कौम, अगले का नाम मूला सी जिहदे नाँ तो मल्लस्तान या मूलस्तान ते कशेपपुरा या मुल्तान जिहड़ा है मुल्तान के पुराने नाँ ने वसिया। अगला मिजूराम सी, अगला पुत्र सी मकरान जिन्हों मकान भी आख्या गया, अगला करमान, अगला हनुआदर जिहदा दूजा नाम गुदरेशिया ते गुआदर भी है,
अगला सी की काम जिहड़ा दूजा ना कलात भी है, अगला पुत्र सी खुजदार ते अगला सीस सी जिहदे नां तों ईरान दा सीस्तान दा जिहड़ा सूबा है वह वसिया। इन्हां विचों मूला दा पुत्र अगों होया जी आसटूबर सरवाई ते इरम, अगों इरम दा पुत्र होया ऊज ते ऊज दा होया सागत, सागत दा दूजा नां इरम सी ते अगों उहदा पुत्र होया आद, आद दा दूजा नां मोहन भी सी जिहदे तों मोहन दी कौम टुरी जिन्हां मोहिंजो दड़ो वसाया, मोहन दा किला मोहन कोट जिहड़ा वसाया। ते अगों इहदा पुत्र जिहड़ा सी ना जी उह सी जलूद, मोहन दे पुत्र सन जलूद सहरेब, सहरेब तो नमरूद बादशाह की नसल टुरी। अगले पुत्र सी पत्तन, अगला काहू, ये पत्तन जिहड़ा सी उहना पत्तन मसा पत्तन मनारा जिहड़ा सादका बाद रहे मियार खान इलाके, अगे काहू अगे जुकर अगे डी जी अगे रोड़का अगे दुहागा अगे रोड़का अगे ढाका शदाद शदीद ते बाला ते मेहरगढ़ ते सुहागा, ये सारे दे पुत्र सन। अगों इन्हां विचों जलूद दा पुत्र होया बा अरनंद छला अंबर ब्रह्मा सुहागा ते मोढ़ा, अगों इन्हां विचों बा दा पुत्र होया विष्णु वे सुरंभू शंकर चेतू सेंभू गोरख, गोरख दा दूजा नाम हूद सी हजरत हूद अलैहि सलाम जिहड़े रसूल होए ने। अगों जी गोरख हजरत हूद अलैहि सलाम दे पुत्र होए अरड़, हरीर दा किला दादू दे विच बड़ा उच्ची जगह 400 फुट उच्ची जगह ते, गब्बर बब्बर तंदूर बरबरा हेम ते बेम। अगों बरबरा दे पुत्र होए अबरू अब्बर ते अबरीन, अगों अबरू दा पुत्र होया कैतान सोम महला अग्नि सुई नरसल सला भूमि मंदर महान सरूस अरनन ते याकू। इन्हां विचों कैतान दा पुत्र होया यकतान फलज सलज ते यारब, यारब जिहड़ा वह यमन चले गए तो उन्हां सबाह दा मुल्क वसाया उत्थे मलका बल्कीस इन्हां विचों सी। अगों यकतान दा पुत्र होया शाहरुख ते जिहदा दूजा नाम मंबा सी वसीम सहारा बीनू नाहूर बीनू कसीम लूकल सरोया। अगों नाहूर दे पुत्र होए जी शबर बशर शबीर बशीर खारान जिहड़ा ये अम्मा सायरा दे वालद दा नाम ते तारख ते आज़र। अगों तारख दे पुत्र होए हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम फाऊर नाहूर ते हारान, इन्हां विचों फाऊर हकीम लुकमान दे वालद सन, हारान हज़रत लूत अलैहि सलाम उहनां दे वालद सन, ते नाहूर दे दो पुत्र लाबान ते नीतूएल होए। मुड़ लाबान दीआं दो धीआं राहील ते लिया होईआं जिहड़ियां हज़रत याकूब अलैहि सलाम नाल विआहीआं गईआं, ते नीतूएल दी कोती बरमका होई जिहड़ी हज़रत इसहाक नाल विआही गई, ते जिहदे वल दो जोड़े पुत्र ऐसू ते हज़रत याकूब अलैहि सलाम होए। अगों हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम दे 4 सवाणियां 13 पुत्र ते 2 धीआं होईआं। चेते रहे भी हज़रत इब्राहिम सिंध वाला जट देश अंदर होए ने, ते हिंदी विच उहनां नूं ब्रह्मा आख्या गया। तो इत्थों दे चार हिजरतां करके मक्का गए सन। दूजा यह भी गल याद रखने वाली है कि हज़रत आदम अलैहि सलाम तो लैके हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम तक सारे नबी जिहड़े ने वह इस धरती तो होए ने जिहदा नाम सी सिंध वलायत जट देश, और इन्हां दी जबान जिहड़ी है जटकी सी। अगों उन्हां दी जिहड़ी वड्डी सवाणी है हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम दी, उहदा नाम सी सायरा। उन्हां दे घर हज़रत इसहाक अलैहि सलाम पैदा होए जिन्हां नूं हिंदी विच अंगर सी भगवान आख्या गया, ते दूसरी बीवी अम्मा हाजरा दी कुखों हज़रत इस्माइल अलैहि सलाम होए जी जिन्हां नूं हिंदी विच अथरू भगवान आख्या गया। तीजी बीवी अम्मा कतूरा दी घर 6 पुत्र ते 1 धी लालीबाई होई, ते चौथी सवाणी हाजियां वल 5 पुत्र ते 1 धी नबूदाबाई होई। अगों हज़रत इस्माइल अलैहि सलाम उन्हां दीआं 3 सवाणियां चों औलाद बस मजाक नाँ दी सवाणी वल होई, ते उन्हां विचों पुत्र होए नियाबूत जिहदा दूजा नाम करम सी, मिशा जिन्हें मक्का वसाया, कीदार जिहड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे जद्दे अमजद सन, उमेल ते पामेल इन्हां नूं साहबे रास आख्या गया, रूहा हिरा यतूर तीमा नाफस ते धी होई बिस्मा जिहड़ी हज़रत इसहाक अलैहि सलाम उन्हां दे पुत्र ऐसू नाल विआही गई, और जिहदी कुखों सलाती ने रोम दा जिहड़ा वटका अदूम या रोम उह पैदा होया। अगों नियाबूत करन दी जिहड़ी औलाद है परत के जद्दी पुश्ती अपने जिहड़ा देश सी अरबां दे विचों सिंध वलायत जट देश विच आ गई, तो उहदे पुत्र होया उत्तरी अरची, ते उत्तरी अरची जिहड़ा सी इह इत्थे आया, ते अगों उत्तरी अरची दे पुत्र होए ईला अरमा अरूद नरी वरून ते चंद्रमा। ते इन्हां विचों जिहड़ा नरी सी
ਉਹ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ। ਵਰੂਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਜਮ ਗਰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾਨ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀ। ਇੱਧਰ ਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਸੂਰਜ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਸ਼ੇਪ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਸ਼ੇਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਮਨੂ। ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਦਿਓਲ, ਦਿਓਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮਨੂ ਅਤੇ ਵੱਛਾ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਮਨੂ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਨਸਲ ਟੁਰੀ ਅਤੇ ਵੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਵੱਛੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਛਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਛਵੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ, ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਹਮਸਾ ਚਾਲਕ, ਹਮਸਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਧੂ ਚਾਲਕ, ਆਧੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ, ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ, ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ ਚਾਲਕ, ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ, ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ, ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ, ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ, ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਮੱਲ, ਅਮਰ ਮੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ, ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ, ਅਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੂਰਾ ਚਾਲਕ, ਬੂਰਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਰ ਮੱਲ, ਜ਼ਬਰ ਮੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਰਾਜ, ਹਮਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਜਰਾਜ, ਭੋਜਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਨ ਰਾਜ, ਕਿਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ, ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ, ਗਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ, ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਸੀਨ, ਅਤੇ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਸੀਨ, ਅਤੇ ਹਮਸਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲ ਰਾਜ, ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਲਕ ਰਾਜ, ਚਾਲਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਤ੍ਰਕ ਰਾਜ, ਸੋਤ੍ਰਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੋਇਆ ਰਾਜ, ਸਰੋਇਆ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਲਰਾ ਮੱਲੀ, ਅਤੇ ਮਲਰਾ ਮੱਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਭੁੱਟਾ, ਅਤੇ ਡਾਰ ਨਾਇਕ ਸ਼ਜਰਾ, ਅਤੇ ਲੰਗਾਹ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿਆਨਰੀ ਦੇਵੀ, ਪਦਮਣੀ ਦੇਵੀ, ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ। ਅੱਗੋਂ ਰਾ ਨਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਬੁੱਚਾ, ਨੌਲ, ਸੁਹਾਵਣ, ਤੂਰ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਤੋਮਰਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ, ਪਨਾਇਕ, ਸੁਹਾਵਣ, ਸੁਹਾਵਾ, ਡਾਹ ਨੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਹੀਆ ਜੱਟ ਕਬੀਲਾ, ਵਰਛਾ, ਵੜੈਚ, ਅਤੇ ਨਾਇਕ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਡੌਰ ਮਾਈ, ਸੋਢੀ ਮਾਈ, ਜਿੰਦਾ ਮਾਈ, ਜਿਉਂਦੀ ਮਾਈ, ਸੱਤ ਭਰਾਈ, ਜੀਵਨ ਮਾਈ, ਭਾਗਲ ਮਾਈ, ਅਤੇ ਅੰਬਲ ਮਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਨਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਹਾਵਣ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਜੋਗਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਮੱਲਣ, ਓਡਰਾਨ, ਡੰਡਨ, ਹਾਰਾ, ਚੋਟ, ਪਾਂਵਟ, ਮੰਗਾ, ਵੀਨੂ, ਅਤੇ ਗੰਗਾਲ ਜਾਂ ਗੰਗਲ, ਅਤੇ ਰਿੱਡ, ਅਤੇ ਵਾਂਡਾ, ਅਤੇ ਝੰਝਣ, ਅਤੇ ਮਾਲ, ਅਤੇ ਡਾਂਡਲਾ, ਅਤੇ ਚੰਝਣ, ਅਤੇ ਕਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਗੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਅਗਨ, ਗੰਨ, ਗੰਗ, ਗੱਗ, ਅਤੇ ਗੰਗਾਲੀਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੰਗਾਲ ਜਾਂ ਗੰਗਲ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਅਹਿਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।